कल बहुत जोर शोर से भ्रष्टाचार का मामला उठाया गया। भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री जी सीना ठोक के बोले कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। तो हम लोग सोच रहे थे कि कोई भ्रष्टाचारी अब देश में बचेगा नहीं, लेकिन ठीक 8 दिन बाद जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, महाराष्ट्र में सब लोग पाला बदले और सारे के सारे मंत्री बन गए। चाहे अजीत पवार की बात करें, प्रफुल्ल पटेल की बात करें, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, इन पे बहुत गंभीर आरोप लगाए थे और सबको बुला लिए। प्रफुल्ल पटेल अब तो सांसद है तो केंद्र में बनेंगे, लेकिन उनको सबको सबके खिलाफ जो आरोप लगा रहे थे अब वो गंगा जल से धुल गए और सब लोग मंत्री बन गए। तो इसका मतलब ये है कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, ये जो कह रहे हैं उसका अर्थ ये है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर देखना नहीं चाहते। सब भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे हेमंता विश्व शर्मा हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे और कोई नेता हो, यशवंत यादव हो, एकनाथ शिंदे की बात करो, और इनको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता जो उनके पार्टी के हैं। येदुरप्पा पे खनन घोटाला का आरोप लगा, बिल्लारी में रेड्डी बंधु उसको भी खनन घोटाला, शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाला, क्या हुआ भाई? आदेश हुआ था सीबीआई जांच कराओ, क्या की सीबीआई? रमेश पोखरियाल, रमन सिंह हमारे 15 साल के मुख्यमंत्री जो कहते थे कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, 15 साल फिर राज करो, यही कहा था ना उन्होंने। रमन सिंह के खिलाफ कितने आरोप, नान घोटाला हुआ, चीट फंड घोटाला हुआ, पनामा पेपर लीक हुआ। 2008 में उनकी संपत्ति 1 करोड़ थी, 18 आते आते 15 करोड़ हो गए, 15 गुना बढ़ गया। कोई धंधा नहीं, न वो करते ना उसके बेटे, लेकिन 15 करोड़ कहाँ से आ गया, 15 करोड़ संपत्ति कैसे हो गया? और ही उत्तराखंड के गढ़मुक्तेश्वर में करोड़ों का रिसॉर्ट बना है, किसका है भाई, क्यों जांच नहीं करते? तो ईडी का दुरुपयोग है, आईटी का दुरुपयोग है केवल विपक्षियों के लिए, और मार मार के पीट पीट के लिखवाया जा रहा है कि इसका नाम लो, उसका नाम लो, नहीं तो या तो तुम गवाह बन जाओ, नहीं तो जेल का रास्ता है। दबाव डाल डाल के लिखवाया जा रहा है कि तुम स्वीकार करो। यही हाल पूरे देश भर में, ये इनका भ्रष्टाचार का आलम है। भ्रष्टाचार को इनको कोई तकलीफ नहीं है, नहीं तो ये जवाब देते राहुल जी का। राहुल जी ने केवल यही पूछा था ना लोकसभा में कि आपके और अडानी जी के रिश्ते क्या हैं, फोटो दिखाया उन्होंने, उनकी सदस्यता समाप्त हो गई, बंगले खाली करा लिए गए। ये स्थिति जिस कर्नाटक में 2019 का की घटना, जिस जगह में वो भाषण दिए थे, अभी जो चुनाव हो भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी हार गए, कर्नाटक हार गए। तो भ्रष्टाचार केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग करें, दूसरे लोग ना करें, और यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। ये उनका उद्देश्य और
विपक्ष के लोगों को बदनाम करने के लिए। एक पैसा छत्तीसगढ़ के लिए नहीं दिया गया, केवल चुनावी भाषण करके चले गए। ये स्थिति इनकी रही है। जांच कराएं ना, चीट फंड कंपनी में हजारों करोड़ रुपए गरीब लोगों का पैसा गया है, बड़ी गरीब की बड़ी चिंता है। तो चीट फंड कंपनी पूरे देश में है, क्यों उसको उसकी जांच नहीं कराते, गरीबों को पैसा क्यों नहीं देते? तो भ्रष्टाचार के आकंठ में भारतीय जनता पार्टी के लोग डूबे हैं। एक एक नेता का नाम बताया जा सकता है, लेकिन नान घोटाले की जांच के लिए तत्कालीन जो नेता प्रतिपक्ष है वो कोर्ट जाते हैं, PIL लगाते हैं, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही। क्यों जांच नहीं हो रही भाई? आप रोकने के लिए PIL लगा रहे हो? तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे लोग दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। यहाँ बोलते हैं सेन घोटाला हुआ, अरे रमन सिंह के राज में 10 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिलती थी, आज 100 करोड़ रुपए मिल रहा है। कैसे घोटाला? शराब घोटाले की बात करते हैं, 3900 करोड़ उनके समय राजस्व आता था 2017 में, आज 6500 करोड़ हो गया। और यदि घोटाले की बात करते हैं तो ये कहते क्या बोलते हैं, होलोग्राम बदल दिया गया। तो होलोग्राम लगता कहाँ है भाई? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री मालिक और कोई अधिकारी कर लिया तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जो फैक्ट्री मालिक डिस्टलर हैं वो खुले घूम रहे हैं, उसकी संपत्ति भी जब्त नहीं हुई है। कार्रवाई तो उन पे होना चाहिए था, उन पे तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सेटिंग हो गई होगी तभी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सबसे ज़्यादा फायदा कौन पाएगा? जो डिस्टलर है उसके खिलाफ यदि राजस्वानी एक तो हुई नहीं, 3900 से 6500 करोड़ बढ़ गया, 1.5 गुना से अधिक बढ़ा। दूसरा यदि है तो हमने तो नोटिस दे दिया, भैया तुमने गलत किया है, बताओ। राज्य के राजस्व में गड़बड़ी नहीं होने देंगे, एक एक पाई वसूल करेंगे। आबकारी विभाग की तरफ से तीनों डिस्टलर को नोटिस दे दिया गया है, बताओ तुमने होलोग्राम में यदि गड़बड़ी की है, बिना होलोग्राम लगाए बिना टैक्स पेड किए यदि वेयर हाउस में जमा कर रहे हैं तो आपसे वसूली क्यों न की जाए? अब इसमें आरोप लगा रहे हैं शराब घोटाला। तो जो जहां से शुरुआत हो रही है उसको तो पकड़ नहीं रहे, ये इनकी स्थिति। तो इसका मतलब ये है, सीधा सी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में इसके भारतीय जनता पार्टी के जमीन से पैर उखड़ चुके हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, केंद्र सरकार से धीरे भर की कल घोषणा नहीं हुई, और इनके पास ना आदिवासी इनके साथ हैं, ना अनुसूचित जाति इनके साथ हैं, ना किसान इसके साथ हैं, ना व्यापारी और युवा कोई साथ हैं, ना महिला इनके साथ हैं। तो केवल अब ये आरोप और मनगढ़ंत बातें कह करके सरकार को बदनाम करना, इसके अलावा इनके पास कोई हथियार बचा नहीं।